हेलो एवरीवन, आपका रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट झिंगनी और चने की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनता है और एक हेल्दी रेसिपी भी है। तो ये है झिंगनी, जो आधा किलो झिंगनी को मैंने लिया है। इसे अच्छे से छील करके गोल गोल शेप में काट लेंगे। इसे शायद से तोड़ी वगैरह भी बोला जाता है, मतलब अलग अलग जगह पर इसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो बस तोड़ी को काटने के बाद से पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे सरसों का तेल, साथ में तेजपत्ता, खड़ा जीरा और एक सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और उसे तेल में थोड़ी देर के लिए चटर पटर होने देंगे। उसी के साथ एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लेंगे, उसे इसमें डाल देंगे और प्याज को हम 5-6 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही भून लेंगे। ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और इस सब्जी को ना आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। वैसे हम लोग के यहाँ बिहार में ना सारी सब्जियाँ सरसों के तेल में ही बनती हैं, तो इसका टेस्ट तो मतलब ऑसम होता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डाल करके इसे प्याज में एक बार मिक्स कर लेंगे 1-2 बार, ताकि प्याज का जो लहसुन का जो कच्चापन है दूर हो जाएगा। अब प्याज और लहसुन में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे सब कुछ अच्छे से मतलब मिक्सअप हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो बिल्कुल ज़रा सा हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि इसे तीखा नहीं बनाना होता है। तो कलर के लिए सिर्फ काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और थोड़ा सा पानी डाल करके हम मसालों को पका लेंगे 2-3 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए मसालों को हमने भुना है, पानी अच्छे से सूख गया है। तो इसमें हम डाल देंगे चना दाल। तो यहाँ 2 चम्मच चना दाल को पानी में भिगो के मैंने रात भर छोड़ दिया था, तो ये मतलब फुला हुआ है। इसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इस चना दाल को भी मसालों में डाल करके 1-2 बार भून लेंगे और उसके बाद अब हम इसमें तोड़ी को, जो झिंगनी है ना, उसको डाल देंगे। तो झिंगनी को पतले पतले जितने स्लाइसेस में काटिएगा, ये पकने में उतना ही आसानी होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। और अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो करके इसे 6-7 मिनट तक पका लेंगे, जब तक झिंगनी सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 6-7 मिनट के बाद से झिंगनी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और सब्जी बन चुका है। तो बस 1-2 बार इसे मिक्स करेंगे और इतनी ही ग्रेवी इसमें रहनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्वादिष्ट सब्जी को एंजॉय करेंगे। और अगर आप मेरे डेली रूटीन को देखना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग चैनल है आपका रसोई घर ब्लॉग्स, तो आप उसको वहाँ जा कर के सब्सक्राइब कीजिए और मेरे डेली रूटीन को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।